जशवंत नगर में ईद उल फितर की नमाज यहाँ की ईदगाह पर गुरुवार को नगर व ग्रामीण इलाकों से आए हजारों नमाजियों ने पूरे अहतराम और अकीदत से अदा की और इस मुबारक मौके को देने के लिए तमाम मेमूनों और नमाजियों ने परवरदिगार का शुक्र अदा किया। अपने व मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। इस मौके पर जिलाधिकारी अवनीश राय तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा ने वहां पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था देखी और सबको ईद की मुबारकबाद दी। नमाज ईदगाह के इमाम हाफिज मोहम्मद समीउद्दीन फारूकी ने अदा कराई। इसके बाद एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हुआ। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनुज सोनटी यादव, राहुल गुप्ता, विनोद आदि मौजूद रहे। ईद का त्यौहार है, हमारे सामने हाजी पेंडर महोदय मौजूद हैं, जो ईद के बारे में उन्हें पूछेंगे और वो बताएंगे कि ईद का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और ये अमन चैन जो है पुलिस की व्यवस्था से रहता है या गंगा जमुनी तहजीब का रहता है। हाजी पेंडर साहब से मिलते हैं। हाजी पेंडर भाई, मैं हाजी मोहम्मद एहसान जी। अभी आपने जो मीडिया के माध्यम से पूछा है कि ईद का पर्व बड़े हलोत्सव के साथ और भाईचारे के साथ मनाया जाता है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएं कि अल्लाह ताला ने सभी मुसलमानों पर, मर्द औरतों पर रोज़ा फर्ज बताया है और ये 30 रोज़े रखने के बाद फिर हम लोग अल्लाह ताला से इसकी खुशी मनाते हैं, ईद की खुशियाँ मनाते हैं और इस त्यौहार को हर हलोत्सव के साथ मनाते हैं। अच्छा, इतनी भीड़ को कंट्रोल जो की है पुलिस द्वारा की गई है या जशवंत नगर की गंगा जमुना की तहजीब को? देखिए, सबसे पहले मैं बधाई प्रशासन को भी देता हूँ क्योंकि आज हमारे कस्बे में पहली बार जिलाधिकारी महोदय भी आए और SSP महोदय भी आए और तमाम प्रशासनिक अधिकारी थे। उसके साथ साथ हमारे यहाँ प्रशासन की व्यवस्था के साथ साथ हमारे यहाँ जो अमन चैन है, भाईचारा है, हिंदू भाई और मुस्लिम भाई हम सब लोग एकता के प्रतीक हैं, उसी के माध्यम से हम सब लोगों ने मिलजुल कर ये सब कार्य को आगे बढ़ाया है और भाईचारे के साथ हम लोग हमेशा ईद और बकरीद, होली और दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। क्योंकि आप हाजी जी हैं तो मैं ये जानना चाहेंगे, इनसे पूछेंगे कि आप कोई अपील करना चाहेंगे मुस्लिम भाइयों, हिंदू भाइयों से? देखिए, हिंदू भाइयों ने हमेशा हमारे हर त्यौहार पर हमेशा पूर्ण सहयोग दिया है और तमाम हिंदू भाई आपने देखे होंगे ईदगाह के गेट पर ईद मिलने के लिए एकत्रित हुए थे और खड़े हुए थे। अच्छा, इस समय चुनाव का माहौल भी चल रहा है, उस प्रदेश से भी जो है ईद के त्यौहार को ज़्यादा महत्ता दी गई है क्योंकि जिलाधिकारी और SSP महोदय कभी नहीं आए हमारे यहाँ, लेकिन इस बार हमें दिखाई दिए। ये ईद का त्यौहार है, हमेशा भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब के साथ हमेशा मनाते हैं। हमारे कभी आज तक हिंदू और मुस्लिम के त्यौहारों में कोई मतभेद नहीं रहा, हमेशा हम लोगों ने इस सभी त्यौहारों को, चाहे होली हो या दीपावली हो, ईद हो, मुहर्रम हो, सब हर त्यौहार को हम लोगों ने मिलजुल कर मनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।